हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां पे हम बात करने वाले हैं पशुपालन डिपार्टमेंट की आई हुई बिल्कुल फ्रेश वैकेंसीज के बारे में। इस अपडेट के लिए आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए यहाँ पर आ चुकी है। काफ़ी दिन से कमेंट्स भी मेरे पास देखने को मिले थे कि मैम पशुपालन डिपार्टमेंट की वैकेंसीज कब आएंगी, तो फाइनली नोटिफिकेशन रिलीज हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए हम आ चुके हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं पशुपालन डिपार्टमेंट की आई हुई नई वैकेंसी के बारे में। कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सारी चीजों को डिटेल में कवर करने वाले हैं। आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना, ताकि इसके बाद जो चैनल पे वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो यहाँ पे हम बात करिए पशुपालन डिपार्टमेंट की नई वैकेंसीज के बारे में। आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, यहाँ पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, मेल एंड फीमेल दोनों ही। अप्लाई करना शुरू हो चुका है, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, कोई भी अदर प्रोसीजर या फिर अदर मोड यहाँ पे अप्लाई करने का नहीं है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आउट हो चुकी है पशुपालन डिपार्टमेंट की तरफ से। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है और इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज है जो यहाँ पे रिलीज हुई है, और ये पशुपालन डिपार्टमेंट की ये जो आपकी परमानेंटली गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, तो आपको अप्लाई यहाँ पे जरूर से करना है। अप्लाई का मैंने आपको पहले भी बताया है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई अदर मोड नहीं अप्लाई करने का। आगे आपको मैं प्रॉपर गाइड करूंगी कैसे किस स्टेप को फॉलो करते हो आपको अप्लाई करना है, तो वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर से देखना। यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, आप यहाँ देख पा रहे हैं 5,934 टोटल वैकेंसीज आउट हुई है। वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे बात करें, एनिमल अटेंडेंट की पोजिशन के लिए वैकेंसीज आउट हुई है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, ये परमानेंटली गवर्नमेंट जॉब आपकी रहने वाली है, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होने वाला है। तो सीबीटी एग्जाम जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे सीधा इसमें ज्वाइनिंग मिलने वाली है, तो बहुत अच्छा चांस है आपके पास। अप्लाई आपको इसके लिए जरूर से करना है। नेक्स्ट यहाँ स्क्रोल डाउन करेंगे, इधर आप लेटेस्ट वैकेंसीज जो इसके अलावा आई हुई है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जहाँ पे पहला लिंक आप देख पा रहे हैं कलेक्टर ऑफिस की वैकेंसीज का है, नेक्स्ट आप देख पा रहे हो स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड का, उसके बाद सुपरवाइजर की जो वैकेंसीज अभी लेटेस्ट आई हुई है उसको आप चेक कर सकते हैं, इधर आपको लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे जीओ स्पे की वैकेंसीज है, 8th, 10th, 12th ग्रेजुएट की अलग अलग वैकेंसीज आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। उसके बाद छठा लिंक आपको यहाँ पे जो देखने को मिलता है वो वर्क फ्रॉम होम जॉब है, जो लेटेस्ट अभी आई हुई है, उसको आप चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे बात आती है इस वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन फी की। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप अनडिजर्व कैटेगरी से है, मतलब अगर आप जनरल कैंडिडेट है, आपकी 600 एप्लीकेशन की फी है। इवन यहाँ पे आप किसी अदर लोकेशन से बिलोंग करते हैं तब भी आपकी एप्लीकेशन की जो फी है वो 600 ही है, ठीक है। ओबीसी के लिए भी सेम है, एससी एसटी के लिए 400 एप्लीकेशन की फी है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तब आपको ये फी जो है वो अपनी पे करनी होगी, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से आप यहाँ पे अपनी फी जो है वो पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, तो वैकेंसी आप यहाँ देख पा रहे हैं एनिमल अटेंडेंट की ही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट मिनिमम 18, मैक्सिमम यहाँ पे 40 रहने वाली है। यहाँ पे रिलैक्सेशन भी आपको मिल रहा है, जिसमें देखिए ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें उनको 3 साल का है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए बात करें उनको 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है। अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग से रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है। तो हर कोई कैंडिडेट आप में से यहाँ एलिजिबल है, तो अप्लाई आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, यहाँ आपको लिंक सीधा दिया हुआ है अप्लाई करने का, ठीक है। अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपकी 12th पास है। अगर ग्रेजुएट चाहते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन की पर्सनली मुझे ये बात अच्छी लगी कि यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट इन्वाइटेड है, अप्लाई कर सकते हैं। तो आप किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं और इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई देखिए कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में आपको चले जाना है, ये जो पहला लिंक है अप्लाई ऑनलाइन का है, सेकंड आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डाउनलोड पीडीएफ का है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट आपको जो लिंक मिल जाता है, ये जो लेटेस्ट इसके अलावा वैकेंसीज आई हुई है, आप यहाँ पे क्लिक करके उसको चेक करके अप्लाई इन वैकेंसीज के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ना इसका डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक दे दिया है अप्लाई करने का, वहां पे जाके आपको अप्लाई करने है, अपने आपको आपको पहले रजिस्टर करना है अपनी डिटेल्स को फिल करते हुए, उसके बाद अपना यूजर नेम पासवर्ड लिख के लॉगिन हो जाना है, देन आपको अप्लाई करना होगा। जहाँ पे अपना नेम लिखना है, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर,
ईमेल आईडी लिखना होगा, ठीक है। आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद जैसे आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करेंगे, ठीक है, अपने 12th जो अपने कौन से बोर्ड से पास आउट किया, कौन से गेल में पास आउट किया, नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप आएगा वो आपका एप्लीकेशन फी पेमेंट के लिए आएगा, उसको आपको पे करके आगे बढ़ जाना है। और आपको उस एप्लीकेशन का प्रीव्यू करना है, मतलब उसको पहले चेक करना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है आपको लग रही, ठीक है, उसको चेक करके देन आपको वहां पे फाइनल सबमिट कर देना है, जो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी और आप सक्सेसफुली वहां पे अप्लाई कर पाएंगे। बाकी देखिए, आपका कोई भी क्वेश्चन है, चाहे पशुपालन डिपार्टमेंट की वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे किसी अदर वैकेंसी से, आप कमेंट जरूर किया कीजिए, अपने मन में मत रखा कीजिए, क्योंकि अगर आपका कोई ड्रीम है किसी जॉब को पाने का, ठीक है, और आपको डाउट भी है, आप उसको डाउट को शेयर करेंगे, क्लियर होगा डाउट, तभी आप अपने जॉब को ले पाएंगे, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी है कमेंट जरूर करना, और हाँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ पर जाके अभी फॉलो कर लेना, कोई भी आपको हेल्प चाहिए होती है आप मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेगी, ठीक है। हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल 2 सेकंड का काम है, मीत शर्मा चैनल यूट्यूब में लिखिए, आपको पहले नंबर पे चैनल मिल जाएगा, यहाँ पे लेटेस्ट वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती है वीडियोज में क्लिक करके, ठीक है, डेली आपको 4 वीडियोज मिल रही है। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करना, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।